क्या आपको पता है CDSL शेयर में पिछले एक सप्ताह में लगभग 12 से 15% का गिरावट आया है। क्या आप सोचते हैं कि यही समय है इस स्टॉक में एंटर करने के लिए? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं EBB इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम CDSL स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये शेयर, इसका बिजनेस भी देखेंगे काफ़ी हाई लेवल पे कि ये क्या करती है, और उसके बाद हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी देखेंगे। तो और उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, अगर प्रोस्पेक्टिव है हमारा तो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का अगर हमारा नज़रिया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आप प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो CDSL कंपनी, जो जिसको हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस कहते हैं, यह एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस शेयर मार्केट में जो भी शेयर या बॉन्ड्स या किसी भी तरह के जो ट्रेड होते हैं, उसका जो डिजिटल लॉकर की तरह ये होता है, जो अगर कोई डीमेट अकाउंट होल्डर, जैसे ही अकाउंट ओपन होता है ये सेंट्रल डिपो CDSL या इसमें ओपन हो जाता है, और ये शेयर को उसमें, अगर हम कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वो इसमें डिजिटल फॉर्म में सेव होता है, लॉक होता है, लॉकर जैसा होता है एक तरीके से, जो बैंक समझ लीजिए वहाँ पे आपका ये शेयर होता है। अब आप जब भी अगर बाई करते हैं तो वो शेयर उसमें चला जाता है, और जैसे ही आप सेल करते हैं तो ये, जितने बार आप सेल करते हैं तो ये चार्जेस लेते हैं। तो यही इस कंपनी का कोर बिजनेस है, और इसी से ये प्रॉफिट कमाती है। अभी इसका मार्केट कैप जो है वो 29,291 रुपये मार्केट कैप है। अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो 1,402 रुपये आज के डेट में है, और इसका हाई है जो वो 1,664 रुपये है, और लो इसका 631 रुपये है इस साल का। और इसका पी जो है 61.1, इसका अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 70 रुपीज़ का है, ROE की बात करें तो 31.3 रुपीज़ का है, परसेंट का है, और ROCE जो है वो 40.2% है, और फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है, और डिविडेंड यील्ड 0.68% है। ठीक है, अगर हम इसकी चार्ट की बात करें तो ये लगभग, जब कभी ये 100 रुपये के पे ट्रेड कर रहा था 2019 में, अक्टूबर 19 में ये जहाँ 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज लगभग ये 1,600 से ऊपर तक चला गया है। लगभग 5 साल में इसने पैसे को कितना गुना कर दिया, लगभग 15 गुना तो हो ही गया है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर कोई अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहता है। देखिए इसका चार्ट देखिए, कभी ये डिप आया ही नहीं, इसमें जो भी आता है थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, लेकिन ये कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं। तो ये था इसका चार्ट, हम बाद में इसका थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज में कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, इसने डेप्ट रिड्यूस किया, कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये एक्सपेक्टेशन है कि गुड आने वाले क्वार्टर में अच्छा करने वाली है। डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ 29.9 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, CAGR जो है इसका 29, लगभग हर पिछले 5 साल में 29.9%, लगभग 30% के हिसाब से इसने पैसे शेयर होल्डर्स के बढ़ाए हैं। ठीक है, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न्स, 3 साल में लगभग 28.9% है, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55.3%, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 18.5% लास्ट 10 ईयर, राइट। तो अगर हम स्टॉक की कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग 20 टाइम्स हाई वैल्यू, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको 2020-21 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और यही पी राइट वैल्यू
कभी इसने हमेशा से ही ये हाई वैल्यूएशन पे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 15%, इस मतलब इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसका 15% ही है। प्रोमोटर होल्डिंग एज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स 5%, लास्ट 3 ईयर में लगभग -5% प्रोमोटर्स ने इसमें अपना डिक्रीज किया है। अगर हम इसकी पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में अपने पीयर्स में ये लग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लीडिंग टॉप 2 में इसका वो है, अगर PBSE CDSL, तो अगर इसका हम ये सारी डिटेल्स हैं जो हमने काफ़ी कुछ देख चुके, वो बाकी हमारे काम का नहीं है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसने लगभग हर क्वार्टर में अपने सेल्स को बढ़ाया है, जहां 150 करोड़ था 207 करोड़, 214 करोड़, 241 करोड़ एंड जून 2024 में 257 करोड़। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसने अपना हर क्वार्टर में क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ाया है, कभी कम नहीं हुआ है, तो ये एक गुड इंडिकेशन है किसी भी स्टॉक के लिए। और इसीलिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, बट बेस्ट प्राइस पे मिले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये लगभग 175 करोड़ इस जून क्वार्टर में रहा है। अब एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रिजल्ट ये शो करेगा। नेट प्रॉफिट 134 करोड़ रुपीज़ का है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसने लगभग प्रॉफिट जो जनरेट किया है वो 633 करोड़ रुपीज़ का है, जो नेट प्रॉफिट 480 करोड़ रुपीज़ का है। ठीक है, अगर 10 ईयर की हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ 25% कर रहा है, 33% 5 ईयर का, लास्ट 3 ईयर में ये 33% दिया है। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें इसका कंपाउंडेड तो 29%, 30% और लास्ट 3 ईयर में 28% दिया है। स्टॉक प्राइस अगर CAGR की बात करें तो CAGR 70% लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में 31% और 1 ईयर में 111%, 19% का दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, हम जो जिससे डायरेक्ट वो स्टॉक होल्डर को फायदा होता है, 23%, 26%, 29%, 31% लास्ट ईयर। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक गुड पोर्टफोलियो स्टॉक है। और रही बात अभी डी पाने का, तो वो भी हम देखेंगे। तो टोटल लाइबिलिटीज देखें तो इस पे लाइबिलिटी 1781 करोड़ रुपीज़ का है, जो लगभग हल्का बढ़ता जा रहा है। बट ओवरऑल अगर कंपनी का फ्यूचर देखें तो ये मोनोपोली वाली बिजनेस है इसकी, जो दिनों दिन जितने ट्रेडर्स बढ़ेंगे इसकी प्रॉफिट और वो बिजनेस बढ़ना ही। तो टोटल एसेट्स इसके 1781 करोड़ के हैं। कैश फ्लो देखें तो लगभग अच्छा है इसके पास, और रेशियो देखें तो ये भी एक अच्छा है। ROC जो है, ROCE जो है वो 40% है इसका अभी इस क्वार्टर में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि इसके कॉन्स में भी ये था कि इसमें शुरू से ही प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम रहा है। ठीक है, तो अभी लगभग 5% रिड्यूस किया है 2023 के बाद से, जून 2023 से में लगभग 5% का इसमें रिड्यूस हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यूअस वही चल रहा है। FII की बात करें तो ये लगभग थोड़ा सा बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें, बट वो 2023 से कम हुआ है। DII की बात करें तो इसमें काफ़ी DII का पैसा लगा हुआ है, जो 24% लगभग अभी है, 24.7%। पब्लिक फंड की बात करें तो ये पब्लिक की बात करें तो 46, मतलब ज़्यादातर पैसे जो है वो रिटेल और पब्लिक के हैं लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये था इसका फंडामेंटल कैश। बाकी अगर हम इसके चार्ट पे एनालिसिस करें कि अभी के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये अब हम काम की बात करते हैं। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो किसी भी प्राइस पे खरीद सकता है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है तब तो हम किसी भी प्राइस पे ले लें, लेकिन मेरा चूंकि शुरू से ही रहा है कि हम चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, हम कहीं पे भी एंट्री वहां करें जहां हमें बॉटम मिले या एटलीस्ट एक सेफ जोन हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये अभी 1400 के रेंज में चल रहा है तो हम इक्यूमुलेट कुछ परसेंट, अगर आपको लगता है, अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और आप अगर बेचना चाहते हैं, इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं, तब
तब तो ये है कि आप इंतजार कीजिए, ये अभी 1-2-3 महीने में ये लगभग ये 1600 को क्रॉस कर सकता है और 2000 तक भी ये जा सकता है, या अगर बाउंस बैक मिलता है और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप अगर आप रख सकते हैं तो इस स्टॉक को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखिए, मेरा ये एक रिकमेंडेशन रहेगा जब तक कि इसमें कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, क्योंकि एक मोनोपोली वाली कंपनी है, इसमें किसी तरीके वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और ये आपके इस पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखेगा अगर आप सही लेवल पर एंटर करते हैं। क्योंकि देखिए इसकी चार्ट ये होता है, कोई चार्ट जो जिस स्टॉक ने कभी कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई बिल्कुल टॉप पे खरीद ही लिया है तो लेकिन वो आने वाले 6 महीने में वो जो टॉप है वो भी उसको प्रॉफिट देगा, तब भी वो प्रॉफिट देगा। बट हाँ, ये जो मूविंग एवरेज है 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, अगर उस रेंज पे आता है तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और उसके नीचे का कोई शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम ये हुआ हमारा लॉन्ग टर्म का, या अगर आप बिल्कुल ही मानते हैं इसमें आपको फुल्ली कन्विक्शन है इस स्टॉक में, तो आप फिर स्टॉप लॉस काफ़ी डीप लगाएं, ताकि मतलब यहाँ इस रेंज में लगाएं ताकि आपको, क्योंकि ये देखिए अभी ये लगभग 2023 अप्रैल में ये 486 रुपीज़ के लगभग था, तो आप मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर जब बिल्कुल टच करता हुआ कुछ कभी आए तो उसमें एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको लंबा नज़रिया होना चाहिए, 1-2 साल का। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, अगर कोई न्यूज बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं या शॉर्ट स्ट्रेटेजी में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी के टाइम में ऐसा कोई इंडिकेशन अगर ये क्रॉस ओवर होता है, बुलिश क्रॉस ओवर होता है एमएसीडी का, या ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है या कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है, तो उस हिसाब से आप उसमें एंटर करके और स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग लगा कर ट्रेड कर सकते हैं 2-4 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीने के हिसाब से। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो हर ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट रखना चाहता है, यह एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट हाँ, सही प्राइस पे एंटर करना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन इस टाइप के स्टॉक बहुत ज़्यादा मौका देते नहीं है। अभी हो सकता है कि ये लगभग 1200 के रेंज में आए, अगर 1200 के रेंज में आता है तो हम एक स्ट्रेटजी के तहत यहाँ अगर यहाँ से भी एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ मान लीजिए आपको 20 शेयर लेने हैं या 50 शेयर लेने हैं इसके, तो आप 5 करके अभी यहाँ लीजिए, फिर डीप अगर आता है 1200 हंड्रेड हंड्रेड के गैप में अगर आता है नीचे तो आप लेते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में ये 2000 2500 3000 तक भी जाएगा 2-3 साल के लिए नज़रिए में देखा जाए तो। जब अगेन फिर मार्केट का सेंटीमेंट आता है, मैं ये नहीं आप लोगों को कहूँगा कि ये चला ही जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा या इस पर कुछ कंप्लायंस का इशू आ जाता है तो वो हमेशा आपको वॉच करते रहना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है ये, क्योंकि ये इस टाइप के काम में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो नहीं सकता है, तो ये इस कंपनी का बेनिफिट है। तो ये था हमारा वीडियो CDSL स्टॉक का एनालिसिस, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ सजेशन है तो भी कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि आप लोग इस स्टॉक में क्या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखें, और अगर आपको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है तो हमारे आई बटन पे मैं प्लेलिस्ट दे देता हूँ, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाए हैं तो अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, धन्यवाद।